अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो, वेलकम बैक। दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन कैंडी सिटी। अब बस यहां से निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करके सफारी के लिए। एक बीच में विलेज में कहीं रुकना है और उसके बाद सफारी है। कल वर्क होगा, कल शायद व्लॉगिंग ना हो, कल कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बहुत तो दिखाई दूंगा मैं। ठीक है, आंसू बहाना याद है। लोकल सॉन्ग है जो ये गा रहे थे और अच्छा है, काफी अच्छा है। यहाँ का म्यूजिक भी जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। अच्छा, होटल से हम लोग निकल गए हैं, अब जा रहे हैं, एक विलेज है वहाँ पे हम जाकर नॉर्मल लोगों की लाइफ देखेंगे कि यहाँ के जो नॉर्मल फार्मर्स हैं वो कैसे रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेरे ख्याल में एक बोटिंग ट्रिप भी है, फिर आगे लंच के बाद सफारी भी है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल ये हमें लेकर आए हैं श्रीलंकन एयरलाइंस वाले और ये जो ग्रुप है हमारा, यहाँ पे ये है कैंडी व्यूइंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए हमें जो है वो लोकल मंकीज भी नज़र आए हैं यहाँ पे, एंड दे आर फ्रेंडली, मतलब हमारे यहाँ मरी वाले नहीं होते जो चीज़ें लेकर भाग जाते हैं। और ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन ज़बरदस्त पॉइंट है। यहाँ पे नीचे लेक है, दैट्स एक्चुअली अ मैन मेड लेक, ये वो नहीं है, नेचुरल नहीं है, लेकिन इट्स लुक ब्यूटीफुल। ओके गाइस, अ क्विक स्टॉप फॉर एन आइसक्रीम, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अभी तक मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ का शेयर करूँगा। आई फाइंड इट वेरी पीसफुल। कोलंबो में है हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं जब आप सिटी में निकले तो थोड़ा सा आपको शोर सुनने को मिलता है, लेकिन कैंडी बहुत पीसफुल है, ग्रीनरी है। अगर आप सुकून करना चाह रहे हैं तो ये जगह बहुत अच्छी है। श्रीलंका का यहाँ का एक गांव, यहाँ पे देखेंगे गांव की लाइफ किस तरीके से है। शहर इतना पीसफुल था तो गांव कितना पीसफुल होगा। अच्छा, ये है एक विलेज हाउस और यहाँ पे है किचन। यहाँ पे बन रहा है फ्रेशली कुक्ड फूड। ये जो फिश है ये यहीं पे लेक से ली है इन्होंने, और ये जो वेजिटेबल्स हैं वो भी यहीं की हैं, विलेज की हैं, और यहाँ पे ये खाना बना रहे हैं। और आज का जो खाना होगा वो बूफे या कॉन्टिनेंटल नहीं होगा, वो प्योर श्रीलंकन फूड है, विलेज फूड वो होगा।
यार मैंने खाना खाते हुए तो आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि मुझे हाथ से खाना पड़ रहा था, यू नो देसी स्टाइल, और हाथ थोड़े से गंदे हो गए थे तो उस वजह से नहीं दिखा सका, लेकिन खाना बहुत मजे का था, ट्रस्ट मी, गाँव का खाना था यहाँ का, जबरदस्त, बहुत मजा आया इसमें। तो अब टुक टुक की राइड लेते हुए जा रहे हैं दोबारा और बाहर, और देखते हैं आगे क्या है। अच्छा तो सीन्स ऐसे हैं कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम एनिमल्स के शायद इतना करीब आए हैं, पूरे वाइल्ड एनिमल्स देख के अच्छा लग रहा है ये। अभी बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन हाथी जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है श्रीलंका में, तो यहाँ पे ये देखने का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है। तो व्हेनेवर यू आर कमिंग टू श्रीलंका डेफिनेटली विजिट सफारी टूर। टेम्पुला से थोड़ा सा आगे जाकर ये आती है जगह जहाँ पे सफारी होती है। यू कैन डेफिनेटली आस्क योर वेंडर और योर ट्रैवल एजेंट और यू कैन आस्क भाई टू अरेंज। अच्छा तो अभी हम इनसे पूछ रहे थे कि ये जो एलिफेंट है ये देखिए जमीन पे ऐसे पाँव मारता है, जमीन पे ऐसे पाँव क्यों मार रहा है, हेड क्यों कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि इट्स देयर वे कि मतलब यहाँ पे घास है ना, यहाँ पे कोई पत्ते नहीं है, दरख्त नहीं है जिसको ये रोल करके खा सके। तो इस तरीके से घास निकाल रहा है और रोल करके फिर खा रहा है। उनका कैसे फीट ऐसा है, तीन जो नाखून होते हैं वो इस
तरीके से डिजाइन हुए हैं ताकि वो आराम से डिक कर सके थे, क्या अल्लाह की कुदरत है। अच्छा, तो सफारी के बाद अब हम पहुंच गए हैं सिनेमन लॉज, जो कॉन्फ्रेंस का वेन्यू है उससे करीब ही है। आज रात यहाँ पे स्टे एंड आई एम एंजॉयिंग माय कोकोनट वंस अगेन। ओके, सो हमने चेक इन कर लिया है सिनेमन लॉज में और अभी मैं दिखाता हूँ ये रूम कैसा है। एंटर होते ही वी हैव अ टीवी, वी हैव ड्रॉर्स में फ्रिज है, लाइक द मिनी बार, टेबल, सिटिंग स्पेस, विंडोज, हा, किंग साइज बेड, कोलंबो वाला क्रैप फिर से नहीं हुआ, वी हैव कबर्ड, टी कॉफी सेटअप, इंग्लिश, वी हैव वाटर, ग्लासेस, और इन्होंने लिखा है बीवियर ऑफ मंकीज, खिड़कियां बंद रखे नहीं तो बंदर अंदर घुस जाएंगे। और ये रही मेरी श्रीलंकन एयरलाइन की टी शर्ट जो मैं कल पहनने वाला हूँ कॉन्फ्रेंस में, और वॉशरूम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये है यहाँ पे बाथिंग स्पेस, सोप और वैनिटी किट, शावर कैप वगैरह, ग्लास, गुड लाइट्स, बेहतरीन। तो दिस इज इट फ्रॉम द रूम्स, थोड़ी देर में थोड़ी रेस्ट करते हैं फिर नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है आज का।